सबका कहना एक हजार मेरी बेटी में
अरे माइक में गाओ माइक। रश्मि हम किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं? अरे रश्मि इज लाइक अ फैमिली है, कम ऑन, मेरी बहन है, छोटी बहन मानता हूँ मैं उसको। और सपोर्ट परिवार में सपोर्ट नाम नहीं आता है, बाय डिफॉल्ट आ जाता है। तो रश्मि को सपोर्ट कैसे कर रहे हैं मैं नहीं कहूँगा, लेकिन रश्मि इज ऑलवेज देयर फॉर अस एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर रश्मि। सो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट सपोर्टिंग, चाहे वो अच्छाई हो या उसकी बुराई हो या किसी भी हालात में वो हो, हमारा काम है उसको, अगर वो गलत कर रही है तो गलत बोलना, और अगर अच्छा कर रही है तो डेफिनेटली अच्छा करना। सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन रश्मि केम टू मी दिस आइडिया कि मैं बिग बॉस जा रही हूँ, मैं सच बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट विद एवरीवन, आई डिडंट लाइक इट। आई सेड नो, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी जख्मों को खुरीदा जाएगा, जहाँ पे आपकी जख्मों को नमक छिड़का जाएगा, बाकी के कंटेस्टेंट जीतने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, तो अच्छा यही होगा कि तुम अवॉइड करो। लेकिन मैं इस सवाल, जो आपका सवाल, उसका जवाब आगे भी दूंगा कि मैंने जब उसको मना किया और शी इंसिस्ट कि मेरे को जाना ही है भाई, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई सेड गो, आपको जाना है, अगर आपको कुछ और अगला स्टेप मिल रहा है आपकी करियर में तो बहुत अच्छी बात है। सो वो गई और मैंने उसको सपोर्ट किया और आज भी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उसको। बिल्कुल किया था, आपको मैं बताऊँ, ये मेरी धर्मपत्नी मेरे साइड में है, हमारी एनिवर्सरी थी और तब मैं अरहान से पहली बार मिला, तब अरहान को रश्मि ने पार्टी में लाया था जो कि बैरल मेंशन सहारा होटल में था, है वहाँ पे। तो आई वाज शॉक एंड सरप्राइज, क्योंकि उस पार्टी में मेरे और भी कई दोस्त थे जिन्होंने मुझे साइड में ले जाके कहा कि रश्मि के साथ ये लड़का क्या कर रहा है। सी आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमोलिश समबडीज पर्सनल कैरेक्टर हेयर, बट दिस ऑनेस्टली दिस इज़ वॉट हैपन दैट नाइट। उस रात मुझे बोला गया कि ये लड़का ठीक नहीं है और ये लड़का रश्मि के लायक नहीं है, वाहिद भाई आप समझाइए। आई सेड ये मौका नहीं है यहाँ पे ये सब बात करने का, मैंने अरहान को बुलाया, आप लोग अरहान से पूछिएगा, अरहान को बुलाया मैंने, अरहान ये मेरी बहन है, अगर आगे जाके कुछ उल्टा सीधा तेरे सामने आता है तो समझ लेना मेरा हाथ होगा और तेरे गाल होंगे, ये मैंने उसको उसी रात समझा दिया था। लेकिन तब तक बहुत नए थे ये लोग, बहुत सी बातें जो खुली हैं बाद में वो उस समय तक नहीं खुल के आई थी, मेरे दोस्तों ने भी जो मुझे कहना चाहा शायद उस रात को नहीं कह पाए वो। लेकिन बहरहाल जब वो एक रिलेशन शुरू हो गया था तो उस चीज़ के बीच में आना मुझे ठीक नहीं लगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है रश्मि के लिए जहाँ पर अरहान की सच्चाई उनके सामने आ गई? देखिए मुझे तो लगता है कि अरहान की सच्चाई आने के लिए ही बिग बॉस हुआ है इस साल, मैं अपनी बहन की पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा। अरहान ने रश्मि को यूज़ किया बिग बॉस जाने के लिए, क्योंकि उसको ज़रूरत थी एक कंधे की, अरहान ने अपना कंधा दिया, मुझे मालूम है किस वक्त से गुजर रही थी रश्मि, उसको एक सहारे की ज़रूरत थी इमोशनली, उसने अरहान ने अपना कंधा दिया, रश्मि ने ब्लाइंडली उस पर फेथ किया और अरहान को एक प्लेटफॉर्म मिल गया बिग बॉस जैसा। वरना मुझे बताइए आप लोग, अरहान कौन है? बिग बॉस अरहान को क्यों लेगा? वाई विल अरहान एंटर बिग बॉस? वाई नॉट वाहिद अली खान यार, मेरा तो कम से कम उससे ज़्यादा नाम है। लेकिन अरहान को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, अरहान ने यूज़ किया रश्मि को, अरहान अचीव वॉट ही वॉन्टेड। रश्मि को धीरे धीरे ये बात पता चलने लगी दोस्तों के द्वारा, हालांकि हम कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते थे रश्मि को, बिकॉज आप जानती हैं कि बिग बॉस के अंदर हमारी एंट्री नहीं है। लेकिन जो हुआ, मैंने कहा, रश्मि के पर्सनल लाइफ के लिए और हमारे जैसे लोगों के लिए जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। आई थैंक्स कलर फॉर दिस, आई थैंक सलमान भाई फॉर दिस, आई थैंक द इंटायर टीम ऑफ बिग बॉस, आई थैंक द पीआर ऑफ रश्मि देसाई, द पर्सनल पीआर जीविता और मिस गुप्ता, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रश्मि को कन्विंस किया। लेकिन रश्मि के बारे में जिस तरह की बात हो रही थी कि उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो आप भी उनके काफ़ी करीबी हैं, लेकिन रश्मि को अरहान के पास क्यों जाना पड़ा मदद लेने के लिए? देखिए मैं भाई हूँ, मैं एक हद तक उसको सपोर्ट कर सकता हूँ। एक लड़की को भाई के कंधे से ज़्यादा दूसरे इमोशंस अटैचमेंट चाहिए। आप लड़के हैं आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक लड़की जो एक इमोशनल होती है,
वो एक इमोशंस भाई के साथ उतने नहीं शेयर कर सकती जो अपने बॉयफ्रेंड और अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर सकती है। टू बी ऑनेस्ट, रश्मि ने वो कंधा जो उसको चाहिए था वो अरहान से मिला उसको। अरहान ने उसको काफ़ी ब्लाइंडली रखा, अरहान ने अपनी पर्सनल लाइफ को उसके साथ शेयर नहीं किया। अरहान कहाँ से आता है, क्यों आता है, ये रश्मि को पता होने नहीं दिया। एक गेट टुगेदर में वो लोग मिले और अरहान उनके पीछे पड़ गया और मैसेजेस चालू हो गए और व्हाट्सएप चैटिंग। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है मेरे दोस्त, पहले जैसा नहीं है कि एक लड़की को पटाने के लिए आपको दो दो तीन तीन महीना इंतज़ार करना पड़ता था उसका नाम पूछने के लिए।